वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हमारा सेकंड डे ऑफ नूब वर्सेस प्रो अंडरग्राउंड सिक्योरिटी हाउस बिल्ड बैटल। और ये चैलेंज मुझे अगेन नूबड़ा जी ने दिया है। और इस चैलेंज के अंदर हम लोगों को आज अंडरग्राउंड सिक्योरिटी हाउसेस बनाने हैं। एंड हमारा मेन गोल होने वाला है दूसरे बंदे के सिक्योरिटी हाउस के अंदर जाकर सबसे आखिरी वाले रूम के अंदर से चेस्ट के अंदर से माल चोरी करना। पूरे के पूरे मैच के दौरान हम लोग एक भी बार नहीं मर सकते हैं। तो इसके पिछले पार्ट में मैंने अपना खुद का एक सिक्योरिटी हाउस बनाया था, जिसकी वीडियो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम लोगों को वो नहीं देखनी है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या किया था। तो शुरुआत करते हैं अपनी एंट्रेंस से। मैंने बनाई थी दो फेक एंट्रेंसेस, दोनों की दोनों जगह पे मैंने लीवर्स लगाए थे। अगर इसको वो पुल करेगा तो एकदम वहां पे ब्लास्ट होकर बंदा मर जाने वाला है। एंड इसके अलावा जो हमारी मेन एंट्रेंस को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर बंदे ने उसको ढूंढ लिया तो वहां से अंदर जाने के बाद आएगा हमारा पहला कमरा, जिस कमरे के अंदर मैंने सबसे पहले एक चेस्ट लगाई। उस चेस्ट के सामने मैंने एक बहुत बड़ा ट्रैप बनाया। एंड उसके अलावा मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चेस्टें लगाई और इस चेस्ट के अंदर जो हमारी पहले वाली चेस्ट है, अगर कोई बंदा इसको यहाँ पर खोलता है ना तो बैक साइड पे एक ब्लॉक गायब हो जाता है, उसके पीछे होगा हमारा मेन लीवर। लेकिन अगर इसके अलावा दूसरी वाली चेस्ट को कोई बंदा खोलता है ना तो जो लीवर के सामने वाला ब्लॉक है ये अगेन वहां पे अपीयर हो जाएगा। एंड बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि एक सीक्रेट लीवर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड अगर नूबड़ा जी ने इसको फिगर आउट कर दिया तो इस लीवर को दबाने के बाद हमारा खुलेगा अपना अगला स्टेज। एंड इस स्टेज के अंदर जाने के बाद तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा अगले बंदे का जिंदा रहना, बिकॉज इस रूम के अंदर मैंने सबसे डेडलीस्ट ट्रैप बनाया हुआ है। टॉप पे तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे डिस्पेंसर्स हैं एंड उनके अंदर मैंने बहुत सारे इंस्टेंट डैमेज 2 के लिंगरिंग पोशंस डाले हुए हैं। और ये सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट होते हैं इन सारी की सारी चेस्टों में से किसी एक चेस्ट को खोलने के बाद। अगर किसी बंदे ने इसको भी पार कर दिया तो आगे आएगा हमारा एक सिंपल सा सवाल, हु इज द बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ड्रीम, टेक्नोब्लेड या स्मार्टी। इसका सही जवाब है स्मार्टी। जैसे कोई बंदा इसको पार करके आगे जाएगा तो यहाँ पर आता हमारा फाइनल स्टेज जो कि पार्कोर स्टेज। और इस पार्कोर को भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रोल वे में बनाया हुआ कि कोई भी बंदा इसको पार करने की कोशिश करेगा वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा इस वॉइड में। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी बंदे को यहाँ पर एक पूरा का पूरा पजल सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक, बिकॉज आज मैं नूबड़ा जी को बुरे तरीके से ट्रोल करने वाला हूँ। और अब बारी आती है गाइस नूबड़ा जी के अंडरग्राउंड सिक्योरिटी हाउस को देखने की। ऑल राइट गाइस, तो इधर ही किधर नूबड़ा जी ने अपना अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाया हुआ है। मैंने अपना वीसी ऑफ किया हुआ है अभी ताकि उसको मेरी आवाज ना जाए, बिकॉज ये बंदा नूबड़ा है, छोटा बच्चा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अच्छा फील करवाने के लिए इसकी ज्यादा बेइज्जती ना कराऊं, ठीक है ना, इसकी मैं थोड़ी तारीफें करने वाला हूं। दैट्स व्हाई, तो उसके लिए मुझे अगेन बहुत ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं इससे बात करना स्टार्ट करता हूं। हेलो नूबड़ा जी, नूबड़ा जी, नूबड़ा जी, हेलो। और मेरे छोटे भाई कैसा है? बढ़िया। तो एकदम बना दिया आपने अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस है। चलो ठीक है, आ जाओ। और राइट, रूल्स होते याद है ना सारे के सारे? आपको यहाँ पे कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो सिक्योरिटी के लिए, कुछ भी, ठीक है ना। एंड सबसे पहले मैंने इसको बोला था कि तेरे को यहाँ पर कहीं, आर यू सीरियस डूड, मैंने तेरे को बोला था कि तेरे को जो तेरी एंट्रेंस है उसको कहीं पे छुपाना है। मुझे सब व्हाट द हेक, दैट वाज अ ट्रैप, वो ट्रैप बनाया था इसने यहाँ पे। नूबड़ा जी ये बंदा यहाँ पे प्रो बन चुका है भाई इस गेम का। ओ माय गॉड, दैट वाज ऑसम। टू बी ऑनेस्ट, आई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली लग रहा था कि इसने शायद से मुंह के सामने एंट्रेंस छुपाई हुई है। खैर छोड़ो। ऑलराइट, तो गाइस मेरे को ना अभी यहाँ पे इसकी एंट्रेंस को ढूंढना है। तू ऐसा कर भाई, मेरे को थोड़ा सा, यस एग्जैक्टली, रीजन वगैरह मारना तो अलाउड है यार। अब इस बंदे ने एंट्रेंस इधर ही की तो छुपाई हुई है, अब मुझे वो ढूंढ एक सेकंड रुको जरा, मुझे यहाँ पे दिखी है बहुत सारी स्वीट बेरीज एंड स्वीट बेरी के पीछे मुझे वहाँ पे दिख रहा है आपका ये लीवर। भाई मतलब थोड़ा सा तो इसको और अच्छी जगह पे छुपा सकता है, बट स्टिल यार। ओ माय गॉड गाइस, ये बंदा ना बहुत ज्यादा चालू। चल कई बार ये मार, रीजन मार भाई साहब। गाइस तुम लोग को पता हमारे इस बिल्ड बैटल का एक रूल है, जो भी ब्लॉक ये बंदा खुद से प्लेस करेगा और मैं खुद से प्लेस करूंगा उसको हम लोग हाथों से तोड़ नहीं सकते। तो इसने पता क्या किया, इसकी इनोसेंट शक्ल को देखो जरा एक बारी। भाई शक्ल बहुत ज्यादा इनोसेंट है बट बहुत ज्यादा खुराफाती आदमी है। मैं यहाँ पे स्वीट बेरीज को तोड़ नहीं सकता हूँ, मेरे को इन्हीं स्वीट बेरीज को पार करके जाना पड़ेगा इस लीवर के पास। ओ माय गॉड, ये बंदा बहुत ज्यादा चालू है, इसको दबाएंगे। ये बॉयज एंड गर्ल्स, हमारी सीक्रेट एंट्रेंस यहाँ पे खुल चुका है। चलो देखो एक और पजल मैंने पार कर दिया, तो मेरे को यार यहाँ पे रीजन मारो फटाफट ब्रो, मानना पड़ेगा ब्रो, मानना पड़ेगा। तूने मतलब जो इस बार जो दो ही एंट्रेंसेस बनाई है ना, काफी सारा बिग ब्रेन का इस्तेमाल करके बनाई है, बट स्टिल हमें आपका ये हाउस की एंट्रेंस मिल चुकी है। एंड चुपचाप से अभी मैं यहाँ से नीचे आने वाला। ओ भाई पहली बात तो मुझे बता कि तू यहाँ पर ना ये हमेशा Bro! What? You... I swear, मैंने तो उसको देखा ही नहीं ऊपर। Oh my God, नूबड़ा जी, I think ये बंदा इस गेम का प्रो बन चुका है अब। ये बंदा ना, by God यार, that was awesome dude, that was awesome। ये वाला ट्रैप भी काफी ज़्यादा अच्छा था यार। अगर मेरी ना एक्चुअली में ये बंदा रीजन वगैरह नहीं मारता ना, तो ऑलमोस्ट अभी मैं शायद से एक आधे हर्ट में होता यहाँ पर बचा हुआ। तो ठीक है गाइस, अब इसका एक छोटा सा डर्ट हाउस है। अब यहाँ से ना हम लोगों को कोई ना कोई पजल को पार करना है एंड देन उसके बाद हम लोग को अपने नेक्स्ट स्टेज पर बढ़ना है। एक सेकंड को, मेरे को ये वाली चेस्ट यहाँ पे खुल नहीं रही, तो मेरे को
को इस पे शक तो हो रहा है बट आई डोंट थिंक सो कि इसके पीछे यहाँ पर कुछ भी होगा। मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं इसको नहीं यहाँ पे टच ना करूं इस बार। तो उछल के चलते हैं एंड बैक साइड के लिए मैं यहाँ पे चेक करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं उसके बैक साइड पे, कुछ भी नहीं उसके पीछे। अब यहाँ से चुपचाप से आगे निकलते हैं। ऑलराइट, ओ ओ शील्ड आई मेरे हाथ में। ओ इस बंदे ने कोल्ड्रॉन के अंदर शील्ड छुपाई हुई थी। भाई साहब यार इसकी शक्ल देख के कितने नूब वाली फीलिंग आती है, बच्चे वाली फीलिंग, बट बहुत खुराफाती हो गया भाई ये बंदा। एंड ओ माय गॉड यहाँ पर एक डायमंड की स्वॉर्ड दी हुई है इसने और मुंह के सामने एक लीवर भी दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स इस लीवर को तो मैं प्रेस करूंगा नहीं बिकॉज इसके अंदर तुमने कुछ ना कुछ तो छुपाया होगा, है कि नहीं भाई, है ना, कुछ तो छुपाया तो ना इसके अंदर, कुछ बहुत ही खतरनाक ना बोल रहा है। देखो जरा इसको भाई, चल ठीक है तेरी इस बात को मैं मान लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे। ओह माय गॉड चार है। मैं गया। ओह माय गॉड भाई कितना ज्यादा चालू है बंदा। मैं 1.5 हार्ट है बचा। अगर तूने आप उसको एक्टिवेट किया ना भाई तो मैं क्रिटे में भाग जाऊंगा फिर यहाँ पे। ब्रू चल मेरे को रीजन मार फटाफट। ओह माय गॉड गाइस ये बंदा भाई बहुत ज्यादा खुराफाती हो चुका है एक्चुअली में। ओह भाई मान गए लूड़ा जी, मान गए लो यार, मैं आपके सामने से अपना सर झुकाता ब्रो। एक्चुअल में बहुत ज्यादा ऑसम था बट अगर ये यहाँ पे असली वाली एंट्रेंस नहीं है हमारी, हमारी असली एंट्रेंस यहाँ पर कहाँ हो सकती है? बिकॉज देखो अगर कोई भी ब्लॉक ऐसे तोड़ने अलाउड नहीं है तो उसने कहीं ना कहीं तो छुपाई होगी हमारी एंट्रेंस। एंड एक सेकंड को ये कौन सा ब्लॉक है हमारा? कैसे हमारा कॉपर ओर है पूरे डर्ट के हाउस के अंदर। एक कॉपर का और यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर एक एक्स का निशान बना हुआ है मुंह के सामने ऐसे करके। तो हो सकता है इसके बैक साइड पे हम लोगों को जाना पड़े बट इस पे जाने के लिए कोई ना कोई सीक्रेट बटन वगैरह हो सकता है इसने कहीं ना कहीं छुपाया हो, है ना। बट यहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रहा यार। ओ एक सेकंड, पेंटिंग पेंटिंग का पत्ता हमेशा होता है। यस नुबड़ा जी आपको क्या लगा था कि क्या मैं इस चीज को पता नहीं लगा पाऊंगा? इसको जैसे ही मैं खोलूंगा मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पिस्टन की आवाज आई है। अभी व्हाट हैपेंड? Oh my God, bro, are you serious? तूने इस बेड के नीचे यहाँ पे एंट्रेंस छुपाई हुई थी? इतना होशियार कब से बन गया ये बंदा? ये नूबड़ा ना गाइस हमारे साथ रह रहे के ना यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार बन चुका है। तुम लोगों को बताइए चीज, बहुत ज्यादा होशियार। ये बहुत ही ज्यादा बिग ब्रेन आइडिया था तेरा, टू बी ऑनेस्ट डूड। चल ठीक है आजा, इसको मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने। Are you serious dudes? Oh my god, इसने यहाँ पर एक पार्कोर का कोर्स बनाया हुआ है एंड ऊपर चार स्केलेटन। इसके अंदर क्या है? स्प्लैश पोशन ऑफ हीलिंग। आई गॉट इट। इसको ऑलरेडी पता है कि इस पार्कोर को ना पार करना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बंदे ने खुद पार कर दिया क्योंकि ये अभी यहाँ पे क्रिएटिव में खेल रहा है। ओके तो मैं ऐसा करता हूँ स्प्लैश पोशन निकाल के रखता हूँ। वॉट ना क्यों कर रहा है? एक सेकंड रुको मैं से बात करके आता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो नूडा जी से मेरी बात हुई, ये मुझे बोल रहा है कि हर एक बार में जितनी बार मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा इस पार्कोर का मैं सिर्फ एक ही स्प्लैश पोशन निकाल सकता हूँ एक बार में। ओके तो ठीक है भाई जी स्टार्ट करते हैं, चला जाओ लेट्स गो। मैं इसको पार कर तो लूंगा आराम से, यूं करके यूं कर। नो ये टफ होगा, ये टफ होगा भाई। तीरंदाज का दिमाग कब से आ गया? तू मुझे एक बात बता, इस तरह गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी बनाई हुई अपने अंडरग्राउंड सिक्योरिटी हाउस के लिए। ओ माय गॉड ब्रो मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है अभी। ये स्केलेटन है मेरे पे कंटिन्यू। नो वे डूड मैं फिर से नहीं कर पाया अभी। ओके मुश्किल तो मेरे को लग रही है बट मैं कर तो दूंगा इसको पार यार। नुबड़े तूने क्या इम्पॉसिबल सा टास्क दे दिया मेरे को यार। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। नो अभी अपनी गलती से गिर गया, मैं भी पार कर सकता था। ठीक है मैं समझ चुका गाइस, आई थिंक मेरे को ना एक पॉइंट पे जाके अपने आप को एक छोटा सा पॉज देना पड़ेगा। यूं करके आ गए, यूं करके आ गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। नो वे फिर से मुझे नीचे गिरा दिया इसने। ये गलत बात है ब्रो, ये गलत बात है। ओ माय गॉड Come on, smarty pie, you can do this. एक नूबड़े ने मेरे को इतना खतरनाक वाला ऑब्स्टिकल कोर्स दे दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। चल यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। अरे नो यार, एटलीस्ट एक बंदा मुझे टच कर ही देता है गाइस। क्या करूं अब मैं? ये वाला इसने इम्पॉसिबल बना दिया है। ऑल राइट दो मारेंगे। जय माता दी इस बारी में कर दूंगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ब्रो नूबड़े ये तूने क्या किया हुआ भाई? तूने चार स्केलेटन क्यों मारे? तो इम्पॉसिबल हो गया भाई मेरे लिए। मेरे को आई गेस यहाँ पे ना गाइस वेट करना। ओह आई गॉट इट, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अभी मेरे को ना इन स्केलेटन्स को बेट करना पड़ेगा। बेट कैसे करेंगे अभी देखो तुम्हें। यहाँ से गए आगे, यहाँ से गए आगे, यहाँ से गए पीछे, अब यहाँ से गए आगे फिर से, यहाँ से गए आगे फिर से। हो गया पार, लेट्स गो। ओह माय गॉड यस दैट वाज ऑसम। चल मुझे खाना पकड़ा फटाफट ब्रो, मुझे फटाफट खाना पकड़ा अभी। और इसी वक्त पोक चॉप चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अगर गाइस मैं एक बार ही वापस ना जाके कंटिन्यूस पार्कोर को कंप्लीट करने की कोशिश करता ना तो ये चौथा वाला जो स्केलेटन है उसको एक टपली तो मारूंगा ही मारूंगा मैं किसी हालत में। तो इस बंदे ने मुझे इजिली मार देना था यहाँ पे, है ना, शॉट हर बार। और यही नूबड़ा जी का यहाँ पे बिग ब्रेन स्ट्रेटेजी थी निकलने की। नाइस ब्रो नाइस गाइस, अगर तुम लोग को नूबड़ा जी की ये क्रिएशन पसंद है तो
वीडियो को लाइक जरूर करना ब्रो। तू बन चुका है भाई, तू प्रो बन चुका है। एंड आई गेस अब यहाँ से आगे इसका लास्ट स्टेज आने वाला है। इसने मेरे को बोला था कि सिर्फ तीन ही स्टेज होने वाले इसके इस अंडरग्राउंड सिक्योरिटी हाउस में। ऑल राइट, यहाँ पे तीन चेस्ट दी हुई है क्लियरली, ये ट्रैप्ड चेस्ट। ओके आई गॉट इट गाइस। देखो यहाँ पर कोल का है, यहाँ पर हमारा आयरन वाला है और यहाँ पर हमारा कॉपर हो रहा है। इसमें से मुझे एक सही चॉइस करनी है कि नहीं अनुरा जी? दो यहाँ पर हमारे पक्का ट्रैप वाले होंगे। अब देखो मेरा जो दिमाग चल रहा है, यहाँ पर सबसे प्रेशियस तो हमारा वैसे आयरन है, बट तुम लोग गाइस याद करो जो हमारा स्टेज नंबर वन था वहां पर नूडा जी ने कौन से ब्लॉक्स लगाए हुए थे? कॉपर के। तो दिस मीन्स है कि नूडा जी जो मैं सोच रहा हूँ वही सही बात है ना? है ना, है ना, है ना? ज्यादा तो यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, छुप रहा है मेरे पीछे। तो आई गेस गाइस दिस इज द राइट आंसर। तेरी पकौड़े, यस, ये हमारी फाइनल, ये वाली फाइनल हुआ। दिस मीन्स हम लोगों ने एकदम सही चॉइस यहाँ पर करी थी। अब मैं यहाँ पे ना नूडा जी आई के स्क्रिप्ट में जा सकता हूँ। अगर मैं बाकी के दो सिलेक्ट करता तो क्या होता? लेट मी चेक वन टाइम। अगर मैं इसको खोलता तो ओ माय गॉड, और इसको करता तो एग्जैक्टली, अगर मैं इन दो को करता तो मैं मर जाता भी के लिए, और मैं यहाँ पे ये वाला चैलेंज हार चुका होता। नूडा जी ये बहुत ही ज्यादा ऑसम बनाया था आपने लास्ट टाइम के मुकाबले, बहुत ज्यादा ऑसम, आई स्वेयर, बहुत ज्यादा टफ था। सारे के सारे स्टेजेस में मेरे को यहाँ पे ना दिमाग लगाना पड़ा एक्चुअली में। तो ठीक है नूबड़ा जी, अब तैयार हो क्या आप मेरे सिक्योरिटी हाउस जाने के लिए? लेट्स गो देन। ऑलराइट गाइस, तो नूबड़ा जी ने आज अगेन अपनी तरफ से मुझे बुलाया है, जो इकलौता बंदा है जो स्मार्टी को हरा सकता है। तो मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ अभी नूबड़ा जी को। एग्जैक्टली गाइस, तो नूबड़ा जी की तरफ से आज एसजीओ दोबारा से इस गेम को खेलने वाला है। एसजीओ देखो रूल्स एकदम सिंपल है, आपको पता है चैलेंज का नाम है अंडरग्राउंड सिक्योरिटी बेस, ठीक है ना? तो मैंने अपना बेस बना दिया है, नूबड़ा जी ने अपना बेस बना दिया है, नूबड़ा जी के बेस के अंदर मैं जा चुका हूँ। अब बारी है आप को मेरे बेस के अंदर जाने की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेरे बेस की एंट्रेंस ढूंढनी है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, ढूंढना स्टार्ट करो। एंट्रेंस मुझे ढूंढनी पड़ेगी ना, एक ही है ना? बेसिकली देखो आपको बस बेस के अंदर जाना है जियो, और जो सबसे आखिरी रूम है ना उसके अंदर से माल चोरी करना है, कर दिया तो आप जीत जाओगे। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कुछ तो नॉनसेंस चीजें है, यहाँ पे भी अभी यहाँ पे मतलब यही इलाका है बराबर। एग्जैक्टली ये जो बॉक्स है इसी के अंदर आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिलने वाली, और कहीं नहीं मिलेगी। पेड़ों के ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता भाई। मुझे कुछ टूल्स भी नहीं मिलेंगे बिना टूल्स के? नहीं नहीं, बिना टूल्स के भाई, आपको बटन लीवर कुछ भी ढूंढना है, दैट्स इट। टूल्स के अब ओ भाई साहब मार क्यों रहे हो मुझे? ओ ऐसे तो इंटेलिजेंट नूबड़ा निकला। क्या मुझे ही दिख गया, थैंक यू नूबड़ा जी, थैंक यू नूबड़ा जी। आहा ये है ना मेरा, यस कर दूं मैं? कर दो कर दो। ये तो बड़ा ही चिंदी था यार वो। व्हाट द हेल, क्या करे ये बंदा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था भाई साहब। भाई मेरी भूलती बंद हो गई। लो, मैं आपके यहाँ पे हेल्थ के पोशन मार रहा हूँ, ठीक है ना? मरना नहीं आपको। एसजीओ मैं दो हार्ट पे हूँ। एसजीओ मेरी बात सुनना आपने, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक भी बार इस चैलेंज के अंदर मरते हो एसजीओ, तो फिर आप इस चैलेंज को हार जाओगे, तो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है ना ब्रो? यहाँ पे सीढ़िया कोई बना के रखी है पहली बार तो, या ये किसने बनाया? ओ यहाँ पे भी है साहब, हम प्रोफे दरिंदा है भाई, फिर से दो हार्ट पे हूँ मैं। Oh my God, यार क्या सोचा क्या है कि मर्डर करके ही रहना है ना। इस बार मुझे बटन मिल गया है। ओके मुझे लग रहा है कि ये बटन कहीं ना कहीं पे लगाना होगा। कहाँ पे बटन जाएगा? ये क्या बटन मुझे मिल गया वहाँ से जब ब्लास्ट हुआ था? चलो वो तो ठीक है, अगर मैं बटन कहीं पे लगाऊ तो ये होगा। यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है कहीं पे, तो यार क्या ही एक नंबर का शाना है यार। दो दो एंट्रेंस बनाए पर वहाँ पे मौत का नंगा नाच करवाया मेरे से। कहीं ना कहीं पे मुझे ये लीवर लगाना है, मुझे गारंटी है ये ऐसी ही व्हाइट जगह। मेरी गारंटी आपको नहीं दिखने वाला, आपको ना भाई एंट्रेंस मिल ही नहीं सकती है भाई, गारंटीड, कोई चांस नहीं रे, इजी है बहुत ज्यादा। यहाँ पे दो जगह पे वो बटन लेके आओ, वो जो है लीवर लेके आओ। देख गया आप ना कम से कम 10 बार इस बटन के पास से गुजरे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को? अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये अच्छी है। नूबड़ा जी साइड हो जाओ, मर जाएगा, साइड हो जाओ। 1 2 3 ये है हमारी सीक्रेट एंट्रेंस। कैसी लगी? मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बटन इसका कुछ तो काम है, मैं इसको लेके जाऊं। हाँ लेके जाओ लेके जाओ। हाँ ये मुझे मिला था। एक चीज याद रखोगे तुम दोनों कि भाई नूबड़ा जी कोई भी चीज को दबा नहीं सकता क्योंकि क्रेटे में घूम रहा है, इसीलिए ओनली एसजीओ का काम है। ये है हमारा फर्स्ट लेवल एसजीओ। अब आपको इस लेवल के अंदर से सेकंड लेवल को फाइंड करना है बिना किसी ब्लॉक को तोड़े। शायद मुझे पता है पिछली बार इसने दीवार में ऐसे किया था। काम है आओ।
ओके इसमें नहीं है इस बार, एक बार मैं सारे चेक कर रहा हूँ। करो करो सारे चेक करो, सारे चेक करो भाई। पर यहाँ से कोई भी ब्लॉक को आप तोड़ नहीं सकते, याद रखना आपने। ओके पर ओके तो पेंटिंग तो नहीं है, चेस्ट में भी अभी तक तो सारे चेस्ट इज यूजलेस। बेड पे मैं सो नहीं सकता। ओके स्लीप ड्यूरिंग, ओके रिस्पॉन पॉइंट हो गया मेरा सेट वहाँ पे। अभी यही हो सकता है कुछ तो, डायमंड घुमा के। ओके ये नहीं हो रहा। कमॉन सॉटी, आई मीन कमॉन एसियो, हमेशा ना कुछ। यस ओ नहीं 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 नहीं, अरे पानी की बकेट, पंडा मेरा मर्डर हो जाएगा। नहीं लीवर, लीवर क्यों लगा रहा है? लीवर प्रोफेशनल इंसान। ओ बिग ब्रेन इंसान डूइंग प्रोफेशनल। बिग ब्रेन डूब रहा हूं मैं, डूब रहा हूं। ओके हर्ष एसियो बिग ब्रेन है, बिग ब्रेन मान लिया भाई, मान लिया भाई, मान लिया भाई। आपको क्या लगता है मैं हॉट बार में लगा के रखता हूँ हमेशा बकेट? एक बात बताओ, सच बोला आपको पता तो नहीं था कि पहले से बकेट लेके क्यों आया था बंदा? मेरे को समझ नहीं आया। बकेट तो मेरे पास थी यार, हम लोग ने इसके ऊपर ही मैनेज किया था, इसी सर्वर के ऊपर मेरे पास बकेट है। ओके समझ गया मैं, पर इट वाज गुड यार, है कि नहीं एसियो? कैसा लगा, फटी की नहीं फटी? सच बोलना, पर अभी मुझे ऊपर तो लाओ, फटी तो भाई मेरे गोटे गले में आ गया। इमेजिन करो मेरे पास अगर नहीं होती तो यहाँ पे मेरा एंड हो जाता। ये बंदा ना छोटे ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकता, आज लग गया पता। वाटर बकेट हाथ में, तभी बोल रहा है कि बाहर निकल। सॉरी मैं डम हूं, सॉरी यार। ऑलराइट तो मैं ऐसा करता हूँ, एक काम कर लेते हैं, इसको भर देता नूबड़ा जी, ठीक है ना? क्योंकि इस फ्लोर का काम अब खत्म हो चुका है। अब एसडीओ, अब एक आखिरी चीज है कि आपको एंट्रेंस ढूंढनी है ब्रो, यहाँ से बाहर निकलने की एंट्रेंस ढूंढनी है। नूबड़ा जी कुछ नहीं कर सकता, नूबड़े तू ज्यादा अरे पर होल हेलमेट, सिर्फ और सिर्फ एसडीओ रिप्रेजेंट कर रहा है ना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एसडीओ करेगा। ये वाली चेस्ट मैंने अंदर देखा, अरे फिर ये भगवान क्या कर रहा है? मतलब मैंने अंदर देखा नहीं, मतलब इसका तो यूज नहीं है इन चेस्ट का। क्या इसके अंदर कुछ भी नहीं है? एक मिनट, इसके पीछे कुछ बटन बिटन है क्या? मुझे देखने दो, इनके पीछे कोई बटन वगैरह या रास्ता बिस्ता कुछ नहीं है, मैं तोड़ नहीं सकता ना, गारंटी। नहीं नहीं कोई ब्लॉक नहीं तोड़ सकते, कोई ब्लॉक नहीं तोड़ सकते। ओके तो मैं इसको तो नहीं रहा यार, कुछ मार क्यों रहा है भाई? एक मिनट टुक, यहाँ पे कुछ है क्या? मैं तोड़ नहीं सकता क्या? क्योंकि ये इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। अरे कलर अलग है तो क्या हो गया भाई? हेलो एक सेकेंड, मुझे एंगल लेने दो ब्रो। भाड़ में जाए। एक बार खोलो तो गायब कैसे हो? समझा मुझे कुछ रो है, गायब कैसे कर रहे हो यार? अरे ऐसे सुनो मैं आपको समझाता हूँ, देखो आप रिवील तो हो ही गया, ये नुबड़े ने चीटिंग करी है। ये जो ट्रैप मैंने बनाया ना एसियो, ये जो पजल है ये स्पेशली एक बंदे के लिए बनाया है, जो बंदा इस रूम से एस्केप करने की कोशिश करेगा। देखो इसको खोलेगा तो पीछे खुल जाता है, इसको खोलेगा तो पीछे बंद हो जाता है, समझ रहे हो? बिग ब्रेन, अगर खोलना हो तो यहाँ पे खड़े होके खोलना पड़ता है ताकि वो ताकि देखे, जो कि बंदा करेगा नहीं। बिग ब्रेन था कि नहीं था? दैट वाज बिग ब्रेन। अभी मैं खींचू इसको, करो भाई जो करना है आपको भाई। बहुत अश्लील लग रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। नहीं आता ना आप शायद पीछे मुड़ते ही नहीं, कभी है कि नहीं है? मैं नहीं मुड़ता जैसे मैंने अभी चेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ से इम्पॉसिबल देख रहे हैं ना, ये दिखेगा ही बिल्कुल भी। तो आप एसियो अभी उस वक्त इस रूम को 10 में से कितना रेट करना चाहोगे? सच बोलना। 10 में से मैं 11 दूंगा भाई, है कि नहीं? यस इस बात के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। मतलब वो पहला वाला फालतू था, वो तीन पजल कुछ भी था, वो ये वाला एक्चुअली में बहुत ऑसम था, बेस्ट थिंग एवर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगले लेवल पे आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मुझे गारंटी है ये मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे सब कुछ टूट जाएगा, पर ये सेम चीज ऑलरेडी मेरे साथ 2 सेकंड पहले हुई थी, तो यही ऑफिशियल इसने लगाया होगा जानबूझ के। जीत गया ना मैं, मुझे स्प्लैश वर्शन ऑफ हीलिंग मिला भाई साहब। एसियो भाई जो फाइनल टेस्ट है आपका, उसमें आपको ना फाइनल रूम है उसमें आपको डायमंड्स वगैरह मिलेंगे, ये आपकी शायद से मदद के लिए हो सकता है, तो समझ जाओ जो स्प्लैश वर्शन ऑफ हीलिंग मिल रहा है तो यानी कि आपकी बैंड बजने वाली है, तो जरा खुश नहीं होना, ठीक है ना? जरा खुश नहीं होना, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। तो ये नहीं नहीं नहीं, मैं धनाधन कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज ये ऊपर जो चीज है ये एरो बिरो फेंक के मारेगी मुझे, तो मैं यहाँ पे खड़े होके करूंगा, यहाँ पे नहीं है ये देखो ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से ही करूंगा मैं सारे ओपन। स्मार्टी यहाँ पे यार कुछ भी नहीं है।
ब्रो किसी में भी कुछ भी नहीं है। एक कुछ तो हिंट दो मुझे। करो आप काम करते रहो भाई, जो कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है कि ये मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा होके करा भाई, ब्लाइंड स्पॉट पे। क्योंकि वहाँ पे गारंटी है मुझे मौत का नंगा ना होगा मेरे साथ, ये गिरेगा, ये ब्लाइंड स्पॉट है। लेट्स सी मैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एसयू, कम ऑन एसयू, पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो। कम ऑन एसयू ब्रो, ये कर दो तुम। अरे कुछ तो हिंट दो यार, अभी ये लास्ट वाला रो ही बचा है। अरे एसयू भाई, हिंट ये है कि भाई आपको जो सामने दिख रहा है खोलो, देखो, परखो। खोल रहा हूँ कुछ नहीं। What? I won! Let's go! I won! नहीं यार ये गलत बात है, ये अभी तक बुलशिट, अभी तक पॉइजन है क्या? ऐसे हार्ट अटैक आया कि नहीं, सच बोलना। अरे भाई ये क्या था, ये ऊपर से आया या नीचे से आया? उस कैसा लगा सच बोलना? अरे मैंने भाई इतने मर गया भाई, मैं मर के आया हूँ, फूले पिए। अरे ऐसे इतना मैंने आपको यहाँ पे स्प्लैश पोशन दिए थे, गिरते ही आपको यहाँ पे स्प्लैश पोशन मारने चाहिए थे। मैंने किए थे वो लूपड़े तक, मैं इतना मारूंगा ना, इसने यहाँ पे पूरा पजल सॉल्व करवा दिया एसजीओ का। सीरियसली आपने किया है? एसजीओ को अभी तक पता नहीं चला, एसजीओ को अभी तक पता नहीं चला। कुछ भी नहीं है ब्रो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारे चेस्ट खाली है ब्रो। पीछे देख, पीछे देख साहब, ये मैंने देखा ही नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। अभी आपका अगला पजल है, एक सवाल पजल। लेट्स सी कि आप इसका सही जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते। पहली बोल रहा है जी, गलत जवाब खेल खत्म, कोई चांस नहीं बचने का, लिटरली बोल रहा हूँ। बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टेक्नोवर, ऑब्वियसली इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, स्मार्टी चल पके ही जैसे आया बड़ा तेरी पकड़े। ड्रीम चीटर नहीं तो टेक्नो ब्लेड ही होगा आंसर आई थिंक। करो 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 टेक्नो ब्लेड करो आप, कोई बात नहीं। टेक्नो ब्लेड, होपफुली मुझे पिगी जाके मारना दे टेक्नो ब्लेड के। ओ यहाँ पे ट्रैप है, अब वापस नहीं आ सकते। अब ओ भाई साहब नहीं, लेट्स गो। मैंने बोला था ना एसयू की गलत जवाब एंड आपकी मौत हो जाएगी यहाँ पे। कैसे गलत जवाब? नहीं टेक्नो ब्लेड इज द लेजेंडरी ब्रो। नहीं टेक्नो ब्लेड तो लेजेंडरी है, पर ब्रो वीडियो किसकी है? ये टेक्नो ब्लेड की वीडियो क्या है? किसकी वीडियो है ये? तो आई गेस ड्रीम, लेट्स गो फॉर भाई। इतनी बेइज्जती के लिए ना, इतनी बेइज्जती के लिए ना, मैं ना मतलब क्या ही बोलूं। भाग से भाग यहां से, वापस नहीं आएगा ये बंदा वापस नहीं आएगा। अब ये बंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए बंद करो। मैं बंद हो जाए, तू भाग यहां से चल, निकल यहां से पकौड़े निकल। मैंने मरना पर क्या बोलते हैं, मरना एक्सेप्ट कर लिया rather than मैंने चूज करना। यार ये कितने घटिया इंसान है यार, माय गॉड कितनी ज्यादा मिन्नतों के साथ मैंने खुद को यहाँ पे सही जवाब दिया था यार। क्या यार अजय भाई, आई एम नॉट हैप्पी। ओ ये क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है यार। अरे आपको अंधेरा फील हो रहा है? लो 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 लो, अच्छा आ जाओ आ जाओ ब्रो, आ जाओ ब्रो। क्या भाई आप कौन से देवता हो भाई, लाइट के देवता? लाइट लगा रहा मैं हर जगह। आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई। ये तो चिंदे पार्कोर है आई थिंक सो। अरे ये तो इजी है, एक नंबर। इतना इजी पजल कौन देता है यार, इतना इजी पजल। अभी नुबड़ा जी ये अपना खो गया। ओए भाई लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं मरा नहीं हूँ। हेलो स्टे हियर, क्यों? एक मेडिया से मुझे आइटम्स मिल रहे हैं। वेट यहाँ पे सारी सामग्री रखी है इसने, तो इसके साथ ही कुछ ना करना है ना, गारंटी। इजी मैं भी इजी तो करो करो। अरे तू बार बार फेंकना बंद कर भाई, क्या खेल रहा है बंदा। ये क्या, डोंट प्रेस, वेट अ सेकंड, मे बी फिर रेसिपी से बाहर निकलना या फिर बटन प्रेस करके। भाई साहब मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट करना था ना मेरा बनाने में। ऐसे देखो सिंपल सी बात, नो करना। एक मिनट मुझे यहाँ पे लगाना है स्लाइम, एक मिनट मुझे पुश करना होगा। एसयू स्लाइम गायब हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा ही टाइम पे आपने तो गायब हो जाएगा ये। भाई मेरा पिस्टल कहाँ पे है, मेरा पिस्टल टूट गया। आपको किसने बोला था नीचे लगाने के लिए भाई है? अरे मुझे ना, मैं धकेल दूंगा उसको पिस्टल के साथ। भाई ये बंदा ना भाई गॉड बेड रॉक को धकेलने की बहुत कर रहा है यार, कसम से। मैं फिर से लगाऊंगा तो पीछे एक, लगाएगा। एक काम कर, अपने अपने नूबड़ा जी का टैग ना आप ले जाओ, इसको आप एसजीओ का टैग दे दो प्लीज यार। नहीं नहीं मैं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं निकल जाऊंगा, सिंपल है ये। अरे लो यार एसजीओ आपको पिस्टन की जरूरत पड़ने वाली है तो मैं आपको दे देता हूँ फिर से एक और बार, ठीक है ना भाई? खुश रहो। थैंक यू सो मच। तो मुझे बेसिकली रेसिपी बनानी है, अब आपको कुछ भी करके यहाँ से ऊपर निकलना है एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म हो जाएगा। भाई साहब मुझे जो एल्डर रिंग वाला हार्ट अटैक आया था ना, इतना गंदा, मुझे नहीं पसंद है, मुझे सफोकेशन होता है यार ऐसे सिकुड़ी हुई जगह। ये बहुत ओपी था यार, ये होता वर्क भी कैसे करता है यार बेडरॉक। अरे भाई स्मार्टी पाए जब तक है तुम्हारे पास तो हैकर्स की जरूरत नहीं है तुमको गेम करना, ठीक है ना ब्रो? बेडरॉक हिलने लगा भाई इस बंदे। वेट अ सेकंड, मैं जे सारी सामग्री यूज करके ऊपर जाना है बराबर?
Yes, exactly, bro. Okay, मैंने सारी सामग्री देखी. बहुत देर के बाद मुझे आइडिया तो आया है एक जिसके साथ मैं कर सकता हूँ ये. चलो, ये बंदा सुसु कर आगे आगे हो आप मुझे सुसु कर रहे हो. मैं आगे भाई वापस रुको. ओ माय गॉड. अगर ओ माय गॉड आई गेस इट सही कर रहा है. थोड़ा दिमाग तो ऐसे करना. इसको इतना तो दांत तो देनी पड़ेगी भाई. अभी इसके ऊपर शायद मैं चढ़ मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता. वेट अ सेकंड. अगर मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं जंप करके बोन मिल करूँ तो मैं ऊपर जाऊंगा ना. 1 2 3 प्रोफेशनल बेबी. अगर एसईओ आप इसको फिगर आउट नहीं कर पाते ना तो एक ब्लॉक से आप रह जाते हैं. एक ब्लॉक से फिर आप नहीं कर पाते. अभी तक बहुत सारे ब्लॉक बाकी है. रुको अभी मुझे सोचने दो. शिट मैंने वाटर बकेट मरने के बाद गिर गया था यार. यस लेट्स गो. इमेजिन करो मेरा वाटर बकेट होता है. ओ भाई तो मैं वाटर बकेट आपसे निकलवाता अभी. भाई ठीक है ना ये पजल सॉल्व करना है. अभी मुझे लग रहा है कि इसका मेरे पास 6 ये है. एक मिनट मैं क्राफ्ट नहीं क्राफ्टिंग टेबल का क्या करूंगा. ओके सो शिट अभी एक प्रॉब्लम है. अब आप इसको तोड़ नहीं सकते हो. ओ माय गॉड लग गए इस बंदे के. ओके मैं यहाँ पे नीचे लगाऊ. एक मिनट नहीं मुझे नीचे ही लगाना पड़ेगा इसको यहाँ पे ताकि मैं बार बार लॉन्च कर पाऊ. एक बार गलती हुआ तो 1 2 3 बटन गया तेल लेने. अभी मुझे लैडर्स लगाने. 1 2 3 फिगर आउट कर दिया. एज यू एग्जैक्टली यही करना था आपको. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं. बाय गॉड दैट वाज कूल. प्रोफेशनल स्टफ. दैट वाज कूल यार. वेट अ सेकंड यहां पे अभी 5 प्लैंक है तो अरे हो मैंने हक दिया था. अभी 1 2 3 4 5 अब क्या करेगा. 2 ब्लॉक अभी बचे हुए. अब कुछ हो सकता. वेट इज ए व्हाट. ओ बेटा हम नुबड़ा जी नुबड़े साले हराम खोर सांप पाल के रखे थे मैंने. ब्रो दैट वाज एपिक एज यू. क्या एपिक. इससे फालतू बंदा है भाई सांप पाल के. अभी मैं ऊपर कैसे आऊंगा यार. देखो मैं आपको ना क्रिएटिव यूज करने की परमिशन देता हूं. आज ऊपर यार मैं सच्ची में वहां पे ना बोट लगाने वाला था और ऊपर सिंपल इतना इजी था ये. यार मेरे को इतनी हंसी आ रही है. आपको लावड़े आ जाओ. मैं क्या करने वाला था ना दिखाता हूँ मैं जनता को. मैं सिंपली ये अभी सर्वाइवल में आ गया. मैं सिंपली ये करके ये करने वाला yes, था. और ऐसे यही आखिरी पजल था हमारा यार. नुबड़े ने आपको धक्का मार दिया. नुबड़े ने धकुत्ता एक नंबर का यार नुबड़े. That was good. भाई अरे हेल्थ तो दो भाई. मैं मरने के लिए आ गया. अभी क्या ये हो गया ना मेरा बख्शीश है ना ये. ओ बक्स ए यहाँ पे मर्डर ना हो जाए मेरा. यहाँ पे खेती बाड़ी क्यों है. ये अजीब ही है भाई. इतना अंधेरा का है इस बिटवा. आर यू रेडी थिंक ट्वाइस डू यू हैव एवरीथिंग रिक्वायर्ड. हाँ मेरे पास सब कुछ है. देखो दिस इज द लास्ट रूम. ओके मैं आपको जो बता रहा हूँ दिस इज द लास्ट रूम ब्रो. मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ ना. अरे आप कुछ चेस्ट के अंदर से माल निकालना जिंदा रहना है. आर यू रेडी थिंक ट्वाइस हो जाए भाई. थिंक ट्वाइस यहाँ पे थिंक ट्वाइस लिखा हुआ है. यहाँ पे सब कुछ है आपका पक्का. सब कुछ ढंग से देखो इस रूम के अंदर. सब कुछ ढंग से. मेरे पास तलवार है. क्या तलवार लू क्या हाथ में. मर्डर हो जाए. हाँ तलवार लेके जय माता दी मैं खोलने वाला हूँ. ऐसे हो अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ ढंग से देखो इस पूरे रूम को. कुछ आप यूज कर सकते हो कुछ ऐसा देख लो. पहले बोल रहा हूँ रोना नहीं है. बात है भाई मेरे सामने बटन है आयरन है यहाँ पे और बटन बिटन. आयरन छोड़ो भाई आयरन का काम नहीं. लो पहले हिंट दे दिया मैंने आपको. लो लो ये भी हटा दिया. नहीं है ये भी नहीं है. खेती है यहाँ पे. कॉब वेब है मेरे पास. कॉब वेब का क्या करूँ मैं लगा दू यहाँ पे. अरे भाड़ में जाए यार मुझे नहीं मिल रहा यार बिल्कुल. यहाँ पे कुछ नहीं है. ये जानबूझ के मुझे नहीं ये वॉच टाइम बढ़ा रहा है भाई वीडियो का. 1 2 3 गणपति अप्पा मोरिया. ओ बेबे पैसा ही पैसा होगा. नहीं लगा तू. अरे नहीं मैं तो हिल भी नहीं सकता. अरे यार मर गया. क्रिएटिव तो नहीं आ गया.
ऑब्वियसली मैं मर गया। Yeah, let's go, मैंने चैट ऑफ करी हुई थी। एंड इसी के साथ हम लोग आज इस चैलेंज को जीत चुके हैं। जैसे मैंने इतना प्यार से बोला था आपको, एक बार चेक करो कोई चीज रह तो नहीं गई उस खेती बाड़ी के आस पास, वहाँ पे पानी रखा हुआ था और मैंने आपको खाली बकेट भी दी हुई थी ब्रो। अगर पानी हाथ में होता तो शायद आप बच जाते। सो गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आखिरी वाला ट्रैप तुम लोगों को कैसा लगा कि भाई यहाँ पर आयरन की बार्स भी आ गई और ऊपर से लावा भी आ गया और बंदे के लिए कोई चांस नहीं मिला बचने का। जो कैसा था सच बोलना? बहुत गंदा मैन, बहुत गंदा, मैं तो रो रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इस टाइप के और बहुत ऑसम ऑसम बिल्ड बैटल्स हम लोग फ्यूचर में लेकर आने वाले, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी लेके आने वाले। तो डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन भी जरूर करना। एंड या गाइस, इस वीडियो का लाइक किया, 2 लाख लाइक कंप्लीट जरूर करना। और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे ऑसम मैन, बाय बाय।